जय हिंद, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक एंड प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। आज मैं आपके साथ में एक कमाल का वीडियो शेयर करने वाला हूं, जो कि है हमारा सारेगामा कारवा का। और ये देख सकते हो, ये के कुछ डब्बे में हमारा पैकेजिंग में आता है ये, जैसे कि आप देख सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मुझे कुछ एक बात करनी है। जैसा कि आप जानते हो कि मेरा अभी नया नया चैनल है और अभी इसका वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो अभी मुझे YouTube की तरफ से कुछ मिलता नहीं है। तो आप सारे लोग जानते हो कि एक वीडियो बनाने में कितने एफर्ट लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरी वीडियो देखा करो, जिससे कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे ऊपर आपको कारवा सारेगामा कारवा लिखा हुआ मिल जाएगा, हिंदी 80+ डेडिकेटेड स्टेशन, जो कि FM के बारे में बताया गया। और यहाँ पर डिफरेंट सिंगर जो है उनके आप पिक्चर देख सकते हो, और यहाँ पे लिखा हुआ एक स्लोगन है, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वन। और ये 1 ईयर के साथ वारंटी के साथ आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप वारंटी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो उसके लिए बताया गया है। तो आपको फिर भी मैं इसे साइड से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कैसे इसके ऊपर लिखा गया है आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑन एंड मार्केटेड बाई सारेगामा इंडिया लिमिटेड, आमीन से यानी गीतमाला मूड्स, और आर्टिस्ट कौन कौन से जो आर्टिस्ट है जिनके आपको सॉन्ग मिल जाएगा। यहाँ पे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, डिफरेंट डिफरेंट सिंगर का नेम दिया गया है। और अब यहाँ पे देख सकते हो जो इसका मॉडल नंबर है वो SC04 है। और इसके साथ साथ इसके जो बॉक्स कंटेंट में आपको मिलेगा, एक म्यूजिक प्लेयर, एक चार्जर, एक यूजर मैनुअल एंड एक रिमोट मिलेगा। और यहाँ पर टोल फ्री कंप्लेंट नंबर दिया गया है, और उसके स्पेसिफिकेशन में बताया गया क्या क्या है इसमें। 3.5 mm ईयरफोन जैक, USB 2.0, चार्जर एडाप्टर जो कि है 1 ampere का, केबल लेंथ है जो 1.2 meter है, USB 2 micro USB केबल, और जो इसका वेट है 1.5 kg है। और आपको ये MRP यहाँ पे दिया गया है 5990, जो कि 5990 के आसपास में आता है, पर ये आप अमेजन से आपको आराम से 5500 के आसपास में मिल जाएगा। तो अभी से जल्दी से बॉक्स को ओपन करके मैं दिखाता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है, और मैं इसे हटाता हूँ। और आप देख सकते हो ये हमारा मेन यूनिट है। तो अभी इसे साइड में रख के दिखाता हूँ इसके बॉक्स कंटेंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड दिख जाएगा, और ये हमारा रिमोट कंट्रोल है, इसमें बहुत सारे फंक्शनलिटी के लिए बटन दिया गया है, सारेगामा कारवा लिखा हुआ है। और ये आपका देख सकते हो आप, ये हमारा चार्जर है जो कि MPR का, और मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। और ये आपको केबल मिल जाएगा, Micro 2 USB केबल मिल जाएगा, जिसकी लेंथ ठीक ठाक है। तो अभी आपको मेन यूनिट के बारे में ओपन करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें। मैं इस पर सॉन्ग प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कॉपीराइट का इशू आएगा। मैं रॉयल्टी फ्री म्यूजिक आपको ब्लूटूथ से YouTube से कनेक्ट करके सुनाऊंगा। तो पहले सबसे पहले इसके डिफरेंट जो बटन है सारे, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारेगामा कारवा लिखा हुआ है, और यहाँ पे LED इंडिकेटर दिया गया है, जो कि आप इसे जब चार्ज कर रहे हो तो ये उस समय ये जलेगा। और यहाँ ऊपर आपको देख सकते हो पावर ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट साइड में बटन दिए गए, जो कि मोड के सारेगामा मोड है, जहाँ पे आप 5000 सॉन्ग्स प्लस गीतमाला ये सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे USB के लिए बटन दिया गया है, USB मोड सेलेक्ट करने के लिए, FM मोड सेलेक्ट करने के लिए बटन दिया गया है, और ये ब्लूटूथ मोड सेलेक्ट करने के लिए बटन दिया गया है। और ये आप देख सकते हो, इसको कैरी करने के लिए यहाँ पर आपको इसके साथ एक हैंडल भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर इस अलग साइड में इसके आप राइट हैंड साइड में जैसे कि आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए एक बटन दिया गया है, और यहाँ पे हेडफोन जैक के लिए बटन दिया गया है। तो आप इधर आप देख सकते हो, साथ ही साथ ये ऊपर की तरफ यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, जिससे आप FM स्टेशन को आप आगे पीछे कर सकते हो। साथ ही साथ आप सॉन्ग्स को भी जैसे आप डिफरेंट मोड में सेलेक्ट कर रखा है, तो सैड मोड से जब अगर आपको स्पिरिचुअल मोड में जाना है उसके लिए भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे सॉन्ग को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के लिए दो बटन दिए गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो दो
स्पीकर दिया गया है जो कि 6 वाट के है। तो आपको मैं जल्दी से इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। अब इसे मैंने अभी ब्लूटूथ मोड में डाल दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसे वॉल्यूम कर देता हूँ, वो फिर आपको सारेगामा मोड में ऑन करके दिखाता हूँ। अभी क्या होगा, आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे जब आप मोड सेलेक्ट करोगे तो आपको एक यहाँ पे ग्लोइंग इंडिकेटर भी मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा जो कौन सा मोड अभी सेलेक्टेड है। अब जैसे मैं यहाँ पे सारेगामा मोड सेलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो अभी ये ग्लो होने लगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, और देख सकते हो ये अभी इंस्ट्रूमेंटल मोड में है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको मूड्स के अकॉर्डिंग, आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग प्ले करके सॉन्ग दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आर्टिस्ट सेलेक्ट किया तो डिफरेंट जैसे हम देख सकते हो, अब यहाँ पे गीता दत्त गीतमाला आ रहा है। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है एक बैटरी का इंडिकेटर दिया हुआ है जो तो आपको बताएगा कितना परसेंट अभी बैटरी चार्ज है, और यहाँ पे आर्टिस्ट का नेम और कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा है करंटली वो दिख जाएगा आपको। एक बार ये जो बैटरी बैकअप का भी बताना चाहूँगा, जो आप इसे कर 1.5 आवर इसको चार्ज होने में लगता है, और उसके साथ जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो आपको 5 आवर का बैकअप दे देगा ये। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको अब यहाँ मूड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके दिखा सकता हूँ, जिसमें इसमें बहुत सारे डिफरेंट मूड के अकॉर्डिंग, आप जैसे इंस्ट्रूमेंटल है आप देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंटल से भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं रिमोट का भी आपको फंक्शनलिटी करके दिखाता हूँ। सबसे ऊपर देख सकते हो यहाँ पे स्टेशन सेलेक्शन है, फिर हम स्टेशन सेलेक्शन करने के लिए बटन दिया गया है, सॉरी यहाँ पे आपको आर्टिस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे मूड्स, डिफरेंट मूड्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ गीतमाला सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्टेशन के लिए है जिसको आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। आप स्टेशन जैसे आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में आप इसे कर सकते हो, यहाँ से आगे या पीछे कर सकते हो, जैसे जब आप FM स्टेशन सुन रहे हो। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे प्ले और पॉज और सॉन्ग को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज के लिए बटन दिया गया है। सारेगामा मोड सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का मोड सिलेक्शन के लिए बटन दिया गया है, जो कि FM ब्लूटूथ एंड हमारा सारेगामा मोड और FM ब्लूटूथ और ईयरफोन मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सारेगामा कारवां की ब्रांडिंग है, और ये बैक साइड से इस तरह से कुछ दिख जाएगा। तो मैं आपको जल्दी से एक सॉन्ग चेंज करके दिखाता हूँ। सॉरी, इसे आप देख सकते हो, आप इसमें इसका मूड सेलेक्ट हो जाए, मूड चेंज हो जाएगा। जैसे अब जिस मूड्स में चल रहा है, जैसे अभी इंस्ट्रूमेंटल में चल रहा था, अभी सूफी में आ गया। अगर आपको इसी सूफी मोड में अगर कोई सॉन्ग चेंज करना है तो आप इस बटन का यूज कर सकते हो। देख सकते हो जैसे अभी ये नया सॉन्ग आ गया, हमारा सूफी मोड में ही है और नया सॉन्ग आ गया। सेम यहाँ पे आप सॉन्ग चेंज कर सकते हो। तो ऊपर वाले बटन का यूज करके आप, जो ये बटन है हमारे, उनका यूज करके आप डिफरेंट मूड्स सेलेक्ट कर सकते हो, और इनका यूज करके आप सॉन्ग को फॉरवर्ड या बैकवर्ड, मतलब दूसरे सॉन्ग पे जा सकते हो, नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकते हो, और इसके यूज करके आप पॉज कर सकते हो। और ये वॉल्यूम माइनस प्लस के लिए बटन दिया गया, और इधर देख सकते हो डिफरेंट मूड्स का बटन है हमारा। तो अभी आपको मैं गीतमाला में डाल के दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे आ गया गीतमाला लिखा हुआ, 90, 90, 52 to 90, 55 वॉल्यूम ऑन, ऐसा कुछ देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको आर्टिस्ट मोड में डाल के दिखाता हूँ। जैसे आप डिफरेंट आर्टिस्ट है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गीता दत्त, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो आपको आर्टिस्ट मोड में जैसे अगर चेंज करना है, दूसरे आर्टिस्ट पे जाना है, तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैं इस बटन का यूज करके, जैसे मुझे दूसरे जगह, जैसे यहाँ पे जगजीत सिंह पे आ गया, तो इस बटन का यूज करके आप जो आर्टिस्ट है उनको चेंज करके उनके सॉन्ग चेंज कर सॉन्ग सुन सकते हो। और अगर उन सेम आर्टिस्ट का ही आपको कोई दूसरा सॉन्ग सुनना है तो आप ये बटन यूज कर सकते हो। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है। साथ में यहाँ भी आप जैसे यहाँ से भी ये नॉब दिया गया है आपको डिफरेंट आर्टिस्ट के सिलेक्शन के लिए, इस नॉब का यूज करके भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे देख सकते हो आप इनका नॉब कर यूज करके भी आप डिफरेंट, और अगर सेम आर्टिस्ट का ही आपको कोई दूसरा सॉन्ग सुनना है तो आप इस बटन का यूज कर सकते हो आप। तो देख सकते हो इसके काफ़ी अच्छा फंक्शनलिटी दिया गया, और साथ ही साथ काफ़ी फीचर्स के साथ आता है। आप जैसे मैं इसका आप एक बार आपको साउंड का डेमो देना दूंगा, जो एक रॉयल्टी फ्री म्यूजिक बजाता है ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, और फिर मैं आपको सुनाता। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसे ब्लूटूथ मोड में
चेंज कर दिया है और मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके सुनाता हूँ। देख सकते हो ये हमारा साउंड इनपुट आपको इस तरह से कुछ मिल जाएगा। इसमें देख सकते हो वॉल्यूम को इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये वॉल्यूम हमारा जब फुल हो जाता है तो मैक्स लिखा हुआ आ जाता है। काफ़ी अच्छा साउंड इनपुट है और मतलब सही है, सारी चीज़ें बैलेंस करके साउंड आ रहा है और काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो, मैं इसे पॉज कर देता हूँ। जो इसकी खास फीचर्स है जो मैं वो एक बार समराइज करना चाहूँगा, जो इसके साथ है आपको 5000 प्री लोडेड सॉन्ग मिल जाएंगे, प्लस आपको इसको रिमोट कंट्रोल है, USB मोड है, डिफरेंट मोड है, FM भी सुन सकते हो। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये नॉब दिया गया है, ये नॉब बहुत ही अच्छा फंक्शनल है, इससे आप क्या हो सकते हो डिफरेंट मूड्स में सेलेक्ट कर सकते हो, प्लस डिफरेंट आर्टिस्ट का भी सिलेक्शन कर सकते हो। इन तीनों का बटन का अलग अलग काम है, जैसे ये आर्टिस्ट है, ये मूड्स है और ये हमारा गीत वाला, तो उनके में भी ये बटन काम आएगा। तो साथ ही साथ रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है और बैटरी बैकअप भी अच्छा है, 4 to 5 hours का है। तो आप इसे जब अपने किसी पेरेंट ग्रैंड पेरेंट को अगर कोई गिफ्ट देना है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो और ये अपने लिए भी परचेज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा क्लासी लुक है इसका और बहुत ही अच्छे सारे रिच फीचर सेट के साथ आता है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। साथ ही साथ इसका जो एक मेन स्पेसिफिकेशन ये भी है, ये 1 year वारंटी के साथ आता है और ये होम पिकअप के साथ आता है। जैसे आपको कोई इशू आया तो आपको क्या करना है, एक इनका टोल फ्री नंबर है वहाँ पे आपको कॉल करना है और ये होम से आपके घर से पिक करके ले जाएंगे और इसे ये फिक्स करके फिर आपको घर पे ड्रॉप कर देंगे। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। तो आप इसे अगर जैसे फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, आपको किसी को कोई गिफ्ट देना है, जैसे कोई ओल्ड एज के पीपल हैं या मतलब मिड 40 में है, उन्हें आप ये गिफ्ट कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। हो सकता है इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी या कुछ कमी रह गई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बता दें, तो मैं आगे से कोशिश करूँगा इस वीडियो को आगे से जो वीडियो होगा उन्हें और अच्छे तरीके से बना सकूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आप भी इस वीडियो को पूरी देखना, जिससे कि मेरा वॉच टाइम पूरी हो जाए। थैंक यू वेरी मच।